तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास, राजद्रोह कानून खत्म, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा। और फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख जुर्माना, सिम कार्ड की बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी, टेली कम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास। देश में JN.1 वेरिएंट के 21 नए मरीज मिले, गोवा में 19 केस, मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 616 कोविड केस दर्ज, केरल में 3 की मौत। श्रीनगर गुलमर्ग में -4.4 डिग्री तापमान, एमपी राजस्थान में कई जगह पारा 10 डिग्री से नीचे आया, तमिलनाडु में भारी बारिश से 10 की मौत। और डॉक्टरों ने ऐसी जांच लिखी जो देश भर में नहीं होती, इंदौर में एनेस्थीसिया के हाई डोज से जान गंवा चुके छात्र के परिवार का दर्द। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओए इंदौरी पर रेप का केस, युवती को लिविन में रखा, शादी का झांसा दिया, सगाई दूसरी युवती से। इंदौर जबलपुर में कोविड के एक एक नए संक्रमित, एमपी में अब तक 4 केस, इनमें से 1 स्वस्थ, 3 विदेश से लौटे थे। राजस्थान में 2 दिन बारिश का अलर्ट, सीकर के फतेहपुर में 0.5 डिग्री पर पहुंचा पारा, गाड़ियों और पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदे। और सालार के मेकर्स ने पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज पर किया बायकॉट, डंकी को ज्यादा स्क्रीन देने का मामला, पहले स्क्रीन शेयरिंग पर बात बनी। वहीं रश्मि का डीप फेक केस, दिल्ली पुलिस के हाथ लगे 4 संदिग्ध पकड़े गए, चारों वीडियो क्रिएटर नहीं सिर्फ अपलोडर, मुख्य आरोपी की तलाश जारी।